स्टूडेंट मैं वरुण सिंह, क्लास सेवेंथ के साइंस का चैप्टर फाइबर एंड फैब्रिक्स का तीसरा लेक्चर आज आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें। तो सिल्क वॉर्म क्लाइम द ट्विग। सिल्क वॉर्म क्या होता है कि वे ट्यूब पर चढ़ता है। पिछले क्लास में हमने सिल्क वॉर्म के बारे में जो पढ़ा था, सिल्क वॉर्म एक ट्यूब पर चढ़ता है एंड देन स्पिन कुकुन ऑफ सिल्क फाइबर, और वहां सिल्क फाइबर का कुकुन बनता है वहां पर। इसके बाद क्या होता है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क द सिल्क वॉर्म डेवलपिंग इनसाइड द कुकुन, द सिल्क वॉर्म दैट डेवलप इनसाइड द कुकुन नॉट अलाउड टू मैचर इनटू सिल्क मॉथ। जो होता है सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, सिल्क वॉर्म जो डेवलप होता है कुकुन के अंदर, ये कुकुन के अंदर जो है वो कुकुन हो गया, ये कुकुन के अंदर जो सिल्क वॉर्म डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग सिल्क वॉर्म है, इसको मैचर होने नहीं दिया जाता है। ये सिल्क वॉर्म को मैचर होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सिल्क वॉर्म जैसे मैचर, जब तक ये इसके अंदर है तो सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जैसे ये मैचर होगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि as soon as cocoon is formed, it is used to obtain silk fiber. इसका काम होता है, जैसे कुकुन बनेगा तो उसको यूज करते हैं हम लोग सिल्क फाइबर के बनने के लिए, सिल्क फाइबर बनाने के लिए। इट इज यूज टू मेकिंग ऑफ सिल्क फाइबर। इसमें क्या होता है, सिल्क फाइबर एंड कुकुन का काम होता है कि हम उससे सिल्क फाइबर बनाए। अगर कुकुन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिल्क फाइबर आपका नहीं मिलेगा। तो जैसे आप कुकुन स्टेज में जाते हैं, जैसे कुकुन, जब तक कुकुन है तब तक आपको सिल्क मिलेगा, जब तक कुकुन नहीं है तब तक आपको सिल्क नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, डेवलपिंग सिल्क वॉर्म गेट किल्ड। जो सिल्क वॉर्म डेवलप कर रहा है उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। कैसे मारते हैं ये समझेंगे। जैसे कि देखिए, सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क वॉर्म जो है वो कुकुन के अंदर विकसित होता है, लेकिन उसको विकसित नहीं होने दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि इसको हम लोग किल कर देते हैं। तो किलिंग के पीछे काम क्या है कि if silk worm क्या होता है, सिक्रीट करता है। सिल्क वॉर्म सिक्रीट a liquid to dissolve a part of silk। सिल्क को डिजॉल्व करने के लिए एक लिक्विड का सिक्रीशन करता है, तो लिक्विड को सिक्रीशन करता है सिल्क, a part of silk
सिल्क। अब जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कि हम लोगों को सिल्क निकालना है, सिल्क वॉर्म दैट डेवलप इनसाइड द कुकुन, जो कुकुन के अंदर सिल्क वॉर्म बनता है, नॉट अलाउड टू मैचर, उसको परिपक्व नहीं होने दिया जाता है सिल्क मॉथ में। जैसे जैसे कुकुन बनता है, इट इज यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, अब उससे हम सिल्क फाइबर लेंगे, और सिल्क फाइबर लेने के लिए उस सिल्क डेवलपिंग को, सिल्क वॉर्म को मार दिया जाता है, बिकॉज सिल्क वॉर्म इज अलाउड टू मैचर। अगर हम सिल्क वॉर्म को परिपक्व होने देते हैं सिल्क मॉथ में, तो फुल्ली डेवलप्ड सिल्क वॉर्म सिक्रीट अ लिक्विड, वो फुल्ली डेवलप्ड जो है सिल्क वॉर्म उसमें एक लिक्विड सिक्रीट करेगा और डिजॉल्व द पार्ट ऑफ सिल्क, ये क्या करेगा, सिल्क ऑफ द कुकुन, ऑफ किसका डिजॉल्व करेगा, कुकुन्स का डिजॉल्व करेगा, कुकुन्स, टू ब्रेक इट, टू ब्रेक इट एज टू कम आउट ऑफ द एंड कम आउट ऑफ इट एंड फ्लाई अवे, फ्लाई अवे। देखिए यहां सबसे बड़ा बात लिखने का यही उद्देश्य है कि हम लोग सिल्क वॉर्म, सिल्क कुकुन से सिल्क लेना चाहते हैं, तो जैसे भी सिल्क वॉर्म उस कुकुन के अंदर है, जब तक पूरा डेवलप हो, जब तक डेवलपिंग स्टेज में है, जब तक सिल्क वॉर्म कुकुन के अंदर डेवलपिंग स्टेज में है, तब तक आपका सिल्क बनेगा, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करते जाएगा तो वो एक केमिकल सिक्रीट करेगा, पूरे कुकुन को डिजॉल्व कर देगा, और डिजॉल्व करने के बाद सिल्क फाइबर उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं रह पाएगा, और सिल्क वॉर्म से सिल्क जो है, जो वॉर्म है वो फ्लाई अवे हो जाएगा मॉथ के रूप में, आप देखते के देखते रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लग पाएगा। तो ये होता है यहाँ पर, द ब्रेकिंग ऑफ कुकुन कॉज डैमेज ऑफ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ सिल्क। जैसे कि सिल्क वॉर्म निकल के भाग रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपके बहुत सारे पार्ट जो है वो डैमेज कर जा रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, द ब्रेकिंग ऑफ, द ब्रेकिंग ऑफ कुकुन, द ब्रेकिंग, नेक्स्ट पॉइंट जिसे लिखिएगा, द ब्रेकिंग ऑफ कुकुन्स, कुकुन कॉजेस डैमेज, कॉजेस डैमेज, ये डैमेज करता है, कॉजेस डैमेज टू इट्स सिल्क थ्रेड, टू इट्स सिल्क थ्रेड, और ये सिल्क थ्रेड को क्या करता है, डैमेज करता है, टू इट्स सिल्क थ्रेड एंड हैंस लोअर द क्वालिटी ऑफ सिल्क, एंड हैंस ये क्या करता है, लोअर द क्वालिटी ऑफ सिल्क, लोअर द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ सिल्क, और जैसा क्वालिटी का सिल्क हमें मिलना चाहिए वैसा मिल नहीं पाता है, ये लोअर करता है क्वालिटी ऑफ सिल्क। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपका क्वालिटी लो हो जाएगा, बेकार क्वालिटी का सिल्क मिलेगा, तो इससे क्या मार्केट, इससे वो कपड़ा थोड़ा सही नहीं रह पाएगा, फाइबर ही खराब हो जाएंगे, तो इट इज नॉट गुड। इसलिए द कुकुन हैविंग डेवलपिंग सिल्क वॉर्म, इसलिए क्या करते हैं, द कुकिंग, सो द कुकुन हैविंग, कुकुन्स हैविंग डेवलपिंग सिल्क वॉर्म, हैविंग डेवलपिंग सिल्क वॉर्म, डेवलपिंग सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म, सो कुकुन हैविंग डेवलपिंग सिल्क वॉर्म इनसाइड दम, इनसाइड दम आर यूज टू ऑब्टेन सिल्क, आर यूज टू ऑब्टेन सिल्क। ऐसे देखिए कोई पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है, यहां पर समझाने के लिए केवल पॉइंट्स दिया गया है इस सब के। सो कुकुन्स हैविंग डेवलपिंग सिल्क वॉर्म इनसाइड दम, जो कुकुन डेवलप कर रहा है सिल्क वॉर्म में, सिल्क वॉर्म डेवलप कर रहा है, तो वही हम लोग आर यूज टू ऑब्टेन सिल्क, उसी को हम लोग सिल्क के लिए यूज करते हैं। अब सिल्क वॉर्म क्या करता है कि अपने को सिल्कन कुकुन में पैक करता है, पैक कर लेता है। अब इसमें जो है, अब दूसरा पॉइंट जो बता रहे हैं हम, उसका अर्थ है प्रोसेसिंग। अब इसमें है प्रोसेसिंग ऑफ कुकुन टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, सेकेंड पॉइंट है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, पहला रियरिंग कर लिया हम लोग, रियरिंग के बाद चल रहे हैं प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग ऑफ कुकुन्स टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर, इससे हम लोग सिल्क फाइबर अब निकाल रहे हैं कुकुन को प्रोसेस करके।
ऑल कुकुंस आर कलेक्टेड, इसमें क्या करते हैं, पहले ऑल कुकुंस आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, ये है ऑल कुकुंस आर कलेक्टेड कलेक्टेड एट वन प्लेस, सभी कुकुन को एक ही जगह पर कलेक्ट किया जाता है। एंड पाइल्स ऑफ कुकुन, अब इकट्ठा, पाइल्स मतलब बहुत सारे कुकुन का ढेर, अब पाइल्स ऑफ कुकुन, पाइल्स ऑफ कुकुन्स, पाइल्स ऑफ कुकुन इज यूज्ड टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, इज यूज्ड टू ऑब्टेन ऑब्टेन सिल्क फाइबर, पाइल्स ऑफ कुकुन जो होता है वो यूज होता है सिल्क फाइबर के लिए। दिस इसको कैसे किया जाता है, दिस इज एज फॉलो, ऐसे कराया जाता है इसको। पहले हम लोग चाइनीज स्टोरी पढ़े थे कि उसके चाय में जो कुकुन गिर जाता है, गर्म चाय होने की वजह से सिल्कन थ्रेड पास आउट होता है, तो उसी तरह से पहला स्टेप क्या करेंगे, कुकुन्स को कलेक्ट कर लिए तो उसको हॉट वाटर में डाल के उसको किल करते हैं, हॉट वाटर में डालते हैं पहले। पाइस ऑफ कुकुन, यहां पर द पाइस फर्स्ट है, द पाइस ऑफ कुकुन, पाइस ऑफ कुकुन्स आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर, आर प्लेस्ड इन अ हॉट वाटर, हॉट वाटर, इसको हॉट वाटर में प्लेस किया जाता है। हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर, दूसरा हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर, सिल्क, हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर ऑफ कुकुन टू सेपरेट आउट, सिल्क फाइबर ऑफ कुकुन, फाइबर ऑफ कुकुन टू सेपरेट आउट, सेपरेट आउट, हॉट वाटर मेक द सिल्क फाइबर ऑफ कुकुन टू सेपरेट आउट, इसको सेपरेट करते हैं। थर्ड पॉइंट में द लॉन्ग सिल्क फाइबर, द लॉन्ग सिल्क फाइबर, द लॉन्ग सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय, आर ऑब्टेन्ड बाय, लॉन्ग सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय अनविंडिंग, अनविंडिंग द थ्रेड फ्रॉम कुकुन, अनविंडिंग द थ्रेड फ्रॉम कुकुन्स, जो भी कुकुन्स होते हैं उनके थ्रेड जो होते हैं थोड़े लिपटे होते हैं, तो उनसे लंबी, जो भी उनसे लंबी सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए उनके थ्रेड को खोला जाता है ऐसे, तो जितने भी कुकुन्स होते हैं उनके अंदर जो सिल्क फाइबर होता है उनमें जो होते हैं सब एक दूसरे से लिपटे हुए थ्रेड्स होते हैं, तो उनको खोलने का प्रयास किया जाता है थर्ड स्टेप्स में। अब यहां पर अब द प्रोसेस इज, अब व्हाट इज रीलिंग, अब एक प्रोसेस है प्रोसेसिंग में, रीलिंग मतलब क्या है, व्हाट इज रीलिंग, यू शुड नो द रीलिंग इन सिल्क वॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, रीलिंग क्या है ये समझेंगे। तो अब है एक टर्म आपका रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर, यू शुड राइट हियर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकुन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग, कॉल्ड रीलिंग, इसी को हम लोग कहते हैं रीलिंग। रीलिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर को निकालने का प्रोसेस है, और सिल्क फाइबर को कुकुन से निकालने की प्रक्रिया को हम लोग रीलिंग कहते हैं। रीलिंग जो होता है इट इज डन विथ ए स्पेशल मशीन, इट इज डन विथ स्पेशल, ये स्पेशल मशीन के सहायता से किया जाता है, विच अनविंड द फाइबर ऑफ, विच अनविंड
unwind the fiber, which unwind the fiber of silk from cocoon, of silk from cocoons, cocoon से हटाने के लिए. तो रीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून, कोकून से सिल्क फाइबर को निकालने की प्रक्रिया रीलिंग है. और ये एक स्पेशल मशीन से होता है जो कि सिल्क फाइबर को अनविंड करता है, खोलता है. तो दिस इज व्हाट कि रीलिंग क्या है. अभी सेकंड प्रोसेसिंग ऑफ टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला रीलिंग हम लोग पढ़े, दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू सिल्क फाइबर. अब इसमें क्या है कि कन्वर्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर इंटू सिल्क क्लॉथ. अब इसमें कन्वर्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर टू सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क क्लॉथ बनाने जा रहे हैं, कन्वर्शन कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट ये आपका है कन्वर्टिंग ऑफ, पहला रियरिंग था, दूसरा आपका प्रोसेसिंग था, तीसरा कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर. सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून, देखिएगा यहां पर जो सिल्क फाइबर कोकून से मिलता है, सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स आर स्पन टू फॉर्म, इसको स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड कॉल्ड सिल्क यार्न. यहां भी सिल्क फाइबर से सिल्क, पहले यार्न बनाएंगे, सिल्क फाइबर से सिल्क यार्न, दैट इज सिल्क का यार्न बनेगा, और सिल्क यार्न से को नीट करके, एंड दिस सिल्क यार्न देन वूवन ऑन लूम्स, इसको लूम्स में क्या किया जाता है, वूवन किया जाता है इनटू सिल्क क्लॉथ. इसको सिल्क क्लॉथ बनाते हैं, इनटू सिल्क क्लॉथ बाय करता कौन है, वीवर्स. देखिए अब क्या कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट में हम लोग सिल्क फाइबर से सिल्क क्लॉथ बना रहे हैं. सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून, जो सिल्क फाइबर आपको कोकून से मिल रहा है उसको स्पन करते हैं सिल्क थ्रेड, और वो थ्रेड यार्न कहलाता है. फाइबर आर स्पन इनटू यार्न एंड द यार्न देन वूवन ऑन लूम्स. ये यार्न को लूम मशीन है, उस पर आप लोग चला, हम लोग वीवर्स लोग चला करके कपड़ा तैयार करते हैं. तो दिस वाज द प्रोसेस, रियरिंग इस प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग. सो इस ये सिल्क वॉर्म, सिल्क से हम लोग सिल्क क्लॉथ बना रहे हैं, सिल्क फाइबर से सिल्क क्लॉथ. तो सिल्क फाइबर से सिल्क क्लॉथ में पहले हम लोग रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म करते थे, फिर उसका प्रोसेसिंग होता था, और फिर प्रोसेसिंग के बाद हम लोग सिल्क का वस्त्र तैयार किए. अब है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क, यू शुड राइट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क, हेडिंग देंगे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क. सिल्क की अलग अलग वेराइटीज होती है, देयर आर वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ जो होता है, ये देखिए सिल्क मॉथ, आपको बता दें ये सिल्क मॉथ भी डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं. ये हो गया आपका सिल्क मॉथ, यू कैन राइट दिस सिल्क मॉथ. ये सिल्क मॉथ अलग अलग वेराइटीज में पाए जाते हैं, सिल्क मॉथ फाउंड इन डिफरेंट वेराइटीज. सिल्क मॉथ क्या होता है, देयर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ, इसमें लिखेगा देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ की बहुत सारी वेराइटी होती है, which look very different from one another. जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखता है. वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क मॉथ,
द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म, द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म, सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मॉथ, ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मॉथ ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मॉथ इज डिफरेंट इन टेक्सचर, इज डिफरेंट, सबका अलग अलग, डिफरेंट इन टेक्सचर, टेक्सचर अलग अलग होता है सबका, जो ड्राइस्टेशन होता है उसका टेक्सचर बनावट अलग अलग होता है, कोर्स बनावट में क्या क्या होगा, टेक्सचर में कैसा टेक्सचर होगा, एक होता है कोर्स रुखड़ा, मतलब कि थोड़ा कोर्स होता है कोर्स, दूसरा होता है स्मूथ और शाइनी, मतलब शाइनिंग, ये जो है इसी के आधार पर ये डिफरेंट करते हैं, स्मूथ है, शाइनिंग है कि रुखड़ेदार है, मतलब कि कुछ अलग हटके, तो ये जो है सिल्क मॉथ इज डिफरेंट इन टेक्सचर, ये अलग अलग टेक्सचर में पाए जाते हैं, सिल्क मॉथ इज फाउंड इन डिफरेंट टेक्सचर, टेक्सचर। अब सम वेराइटीज ऑफ सिल्क आर, देखो सम वेराइटीज ऑफ सिल्क, कुछ सिल्क के वेराइटीज जो हैं, वो पहला है आपका देखिए मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क, एक हो गया मलबरी सिल्क, दूसरा है आपका सार सिल्क, जार सिल्क, तीसरा है आपका मोगा, मोगा सिल्क, और फोर्थ है आपका कोसा, कोसा सिल्क, फिफ्थ इरी सिल्क, इरी सिल्क। तो दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क, सब वेराइटीज ऑफ सिल्क में मलबरी सबसे उत्तम ऐसे माना जाता है, मोस्ट ऑफ द सिल्क कम फ्रॉम मलबरी सिल्क, जार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, इरी सिल्क, ये हो गया सिल्क का वेराइटीज हो गया। तो सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून, जैसे कि सिल्क क्या से मिलता है आपका, कोकून से, स्पर्म बाय सिल्क वर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ होते हैं, तो द सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स, द सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स, कोकून्स, सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स स्पन बाय सिल्क वर्म, स्पन, स्पन बाय सिल्क वर्म, जो कोकून होता है वो सिल्क वर्म, ऑब्टेन्ड बाय सिल्क वर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ, जैसे कि मान लीजिए कि ये मलबरी वाला है, तो मलबरी ककुन के अंदर जो होगा मलबरी का सिल्क वर्म होगा, सार सिल्क है उसके अंदर सार वाला सिल्क वर्म होगा, मुगा सिल्क है तो उसके अंदर मुगा वाला सिल्क वर्म होगा, कोसा सिल्क है तो उसके अंदर कोसा वाला सिल्क वर्म होगा, तो उस सबका टेक्सचर भी कुछ अलग अलग होगा, मीन्स उसका शाइनिंग भी अलग अलग होगा, लेकिन बेस्ट फाउंड है मलबरी सिल्क का, मलबरी सिल्क सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़े सिल्क, सम वेराइटीज ऑफ सिल्क वर्म, अब जो है जो हम देखने जा रहे हैं कि मलबरी सिल्क जो होता है मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ, ये नोटिस कीजिएगा, मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ, कॉमन सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ इज मलबरी, मलबरी, मलबरी सिल्क मॉथ, मलबरी, मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ, सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय इट, मलबरी सिल्क मॉथ से जो सिल्क प्रोड्यूस्ड, ये सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय इट, मलबरी सिल्क इसको कहते हैं हम लोग, मलबरी सिल्क, इसका नाम हो जाता है मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क कैसा होता है, नेचर ऑफ मलबरी सिल्क देखिए, मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ, सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मलबरी सिल्क,
मलबरी सिल्क कैसा होता है अब हम लोग देखेंगे। मलबरी सिल्क इज सॉफ्ट, मलबरी मल बेरी सिल्क इज सॉफ्ट। मलबरी सिल्क कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लस्टरस होता है, लस्टरस एंड इलास्टिक, ये इलास्टिक होता है, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड, एंड कैन बी डाइड इन वेरी ब्यूटीफुल कलर, इसको बहुत से अलग अलग कलर में हम लोग रंग सकते हैं। तो ये होता है मलबरी सिल्क की सॉफ्ट लस्टरस इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन वेरी ब्यूटीफुल कलर, बहुत सारे रंगीन कलर में इसको हम लोग डाई कर सकते हैं। अब नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। तो नेचुरल सिल्क यू शुड कीप वॉचिंग द वीडियोस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां पर नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क, एक है आर्टिफिशियल सिल्क, नेचुरल सिल्क क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल सिल्क इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वर्म, यू नो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द cocoons of silk worm and made of protein, which is made of protein, ये protein के बने होते हैं। It is an animal fiber, ये एनिमल फाइबर है। आर्टिफिशियल सिल्क कॉल्ड रेयन, अब इसमें देखिएगा आर्टिफिशियल सिल्क कॉल्ड रेयन इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, ये वुड पल्प से बना होता है, मेड ऑफ वुड पल्प and made of modified plant material, modified plant material called cellulose, इसको बोलते हैं सेलुलोज से बना हुआ, called cellulose material, cellulose। पेपर क्या से बना होता है आप जानते हैं, पेपर बना होता है आपको सेलुलोज से, पेपर इज मेड फ्रॉम सेलुलोज। What is paper made up of? Paper is made from cellulose. लकड़ी से आता है पेपर। तो cocoon of silkworm which is made of protein. Silkworm का जो cocoon होता है वो protein होता है, animal fiber है। और rayon जो होता है उसको हम लोग कहते हैं artificial silk. Rayon को क्या कहा जाता है? Rayon is called artificial silk made from wood pulp and modified plant material called cellulose. और ये एक modified plant material cellulose का बना होता है। अब हम लोग इसको डिस्टिंग्यूश कैसे करेंगे, डिस्टिंग्यूश हाउ कैन वी डिस्टिंग्यूश बिटवीन आर्टिफिशियल सिल्क और नेचुरल सिल्क, डिस्टिंग्यूश बिटवीन आर्टिफिशियल सिल्क एंड नेचुरल सिल्क,
देखिए दो प्रकृति में दो तरह के सिल्क मिल रहे हैं हमारे पास, एक होता है आर्टिफिशियल सिल्क और दूसरा होता है नेचुरल सिल्क। एज वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास दैट इज क्लास सिक्स दैट बर्निंग टेस्ट, यू शुड नो फाइबर एंड फैब्रिक्स में आप देखेंगे बर्निंग टेस्ट। तो बर्निंग टेस्ट में जो बात बताई गई है वो ये है कि बर्निंग टेस्ट में जो चीज लकड़ी के बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, तो यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड कि जो चीज लकड़ी के बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, तो वो जो होते हैं गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। लकड़ी देखो, पेपर जो भी हम बनाते हैं वो सेलुलोज का ही बना होता है। पेपर हमारा जो भी बन के आता है वो लकड़ी का बन के आता है, सेलुलोज का बन के आता है। और यहाँ आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है वो लकड़ी के वुड पल्प से बनता है और उसके सेलुलोज मटेरियल से बनता है। सो इसको जब भी जलाइएगा तो लकड़ी के जैसा गंध आएगा। बर्निंग में कैसा लग रहा है? बर्निंग पेपर का गंध आएगा, मतलब इसमें भी जो है आर्टिफिशियल सिल्क को जलाने के पश्चात इसमें जलने वाली लकड़ी का गंध आता है। और नेचुरल सिल्क इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकुन्स ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म से एनिमल्स का है ये, सिल्क वॉर्म के कुकुन्स से बनता है आपका सिल्क, सिल्क फाइबर तैयार होता है और ये एनिमल एनिमल फाइबर है। और जितने भी एनिमल फाइबर होंगे आपको सब हेयर का बर्निंग टेस्ट देंगे। हेयर जलने के, हेयर को जलने से जैसा महक होता है वैसा ही ये बर्निंग टेस्ट देंगे। सो अगर मान लीजिए कि वैसे चीज जो प्लांट से बन के आते हैं तो उनका बर्निंग टेस्ट पेपर के जलने जैसा होगा, और जो एनिमल फाइबर है उनका अगर बर्निंग टेस्ट करेंगे तो ह्यूमन हेयर के जलने के जैसा स्मेल आएगा। तो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। ये जो है हम लोग टेस्ट किए प्राकृतिक रेशम और बनावटी रेशम के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं कि डिस्टिंग्विश क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। दूसरा डिस्टिंक्शन कि बर्निंग टेस्ट का डिस्टिंक्शन, तो ये नोटिस कीजिएगा कि नेचुरल सिल्क क्या क्या बना होता है? एनिमल फाइबर है ये। नेचुरल सिल्क इज एनिमल फाइबर एंड It gives a smell of hair upon, it gives a smell of hair upon burning. Natural silk कैसा देगा? A smell of hair. Burning पर hair का smell आएगा natural silk से। तो ये बर्निंग पर जितने भी नेचुरल एनिमल फाइबर होंगे उनको जलाने पर ज्यादा से ज्यादा आपके हेयर के जलने का ही गंध आता है। तो दिस इज बर्निंग टेस्ट। और दूसरे केस में अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिल्क, जैसे पेपर बनता है लकड़ी से, तो आर्टिफिशियल सिल्क प्लांट फाइबर, ठीक ना, फाइबर, एंड इट गिव्स अ स्मेल ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क प्लांट फाइबर है, इट गिव्स अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर अपॉन बर्निंग के बाद जो है ये बर्निंग पेपर का स्मेल देता है। इट गिव्स अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर अपॉन बर्निंग। तो ये जो था हम लोग डिस्टिंक्शन पढ़े थे, डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिफिशियल सिल्क एंड नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क के बीच में यही हमारा डिस्टिंक्शन था। तो ये हमारा क्लास सेवेंथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फाइबर टू फैब्रिक्स। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हम लोग पढ़े एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर के बारे में। तो अब हम लोग फिर जो है कि इस जो फाइबर टू फैब्रिक हमारा एट क्लास था वो केवल एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना था। इस फाइबर में हम लोग ऊन और सिल्क की विशेषताओं, ऊन और सिल्क के बारे में पढ़े। ऊन क्या है, सिल्क क्या है, इसके विषय में हमने पढ़ा। तो ऊन के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये भी एनिमल फाइबर था। सिल्क के बारे में हमने क्या पढ़ा, सिल्क भी एनिमल फाइबर था। तो दोनों ही एनिमल फाइबर को हम लोगों को पढ़ना था। तो ऊन में हम लोग पढ़े
कि ऊल जो है वो सिप के फ्लिस से तैयार होता है, उसको सियरिंग करके, सियरिंग के बाद उसको स्कोरिंग करके, स्कोरिंग के बाद शॉर्टिंग, शॉर्टिंग के बाद उसका हम लोग क्या करते थे, शॉर्टिंग के बाद फिर बहुत सारी प्रक्रियाओं से होके गुजरते थे, डाइंग था, कॉम्बिंग था, कॉम्बिंग के बाद स्पिनिंग था। तो ये प्रोसेस था हम लोग को उससे ऊन निकालने के लिए और उसको डिफरेंट रूप में ढालने के लिए। उसी तरह से हम लोग सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़े, तो सिल्क वॉर्म जो होता है कुकुन के अंदर डेवलप होता है और उस कुकुन जो होता है सिल्क फाइबर से भरा हुआ होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और हम लोग सिल्क फाइबर के बारे में बहुत बृहद ढंग से पढ़े और सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है इसके बारे में पढ़े। तो स्टूडेंट्स आई के सो ये लास्ट लेक्चर था हमारा सिल्क फाइबर टू फैब्रिक्स में, जिसमें कि हम लोग सिल्क को पढ़ा। अब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के लिए, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आई वरुण सिंह, सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल्स। थैंक यू।